इमरजेंसी में हॉस्पिटल आए थे और हमारी अम्मा की कॉल आई है कि जो तुमने 20,000 का तोता लेके आए थे ना, मतलब जो तुमने 50,000 का पेयर लिया था, वो 20,000 का तोता उड़ गया है। जिंदगी की टेंशनें खत्म नहीं होती हैं भाई। निकलते हैं यार, देखते हैं क्या सीन है। मैं घर आ गया हूँ यार, जिंदगी के मसले मसाइल खत्म नहीं होते। कहाँ से उड़ा है यार ये, कहाँ से उड़ा है यार ये देखें, अरे यार ये मैं बोलूँ ना, ये देखें ये चुटकुनी, ये हटा दी यार। मैं ये बंदे, तुम एक साल से मैंने इसको पाला है, इसमें अभी एक बाकी और एक बाकी उड़ गया यार। शिट मामा, ए यार इतनी बड़ी जगह है ना ये सारी, अगर उड़ा दिए तो गया। मैं एक साल पहले लेके आया था और मैं सोच रहा था शाम से कि मैं कंटेंट मुझे बनाना है, मुझे कोई कंटेंट मिल जाए। मेरा तोता उड़ गया, ये कंटेंट बन गया। ये एल्बाइनो का पेयर है, ये पेयर मैं दिखाता हूँ। एल्बाइनो का पेयर है, रेड आइस कहलाता है ना ये। ये अभी 40,000 रुपए का पेयर है। ये देखें, ये तो मेरा पेयर सेट है, इसने अंडे दे दिए हैं, इसने ये अंदर बैठा हुआ है। लेकिन इस पेयर, ये पेयर सेट था बिल्कुल, पिछले एक साल पहले लेके आया था। अल्लाह करे कि मिल जाए यार। असल में ये इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। उड़ गया यार, गए 20,000 रुपए। ये होता है जिंदगी में ना, क्या बोले। बस अभी एक तो वैसे ही मसला था, हमारे कजन का हाथ टूट गया, वहां से हॉस्पिटल से आए, अब ये तोता उड़ गया। ये तोता तकरीबन 40,000 जिसको मिला होगा ना उसके वारे न्यारे होगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ कोई किसी को नहीं बताएगा कि जो है ना आपका तोता उड़ा था, या किसी को पता भी नहीं है कि हमारे पास ये तोते थे। भाई देखें, लेसन ये है कि अगर इस किस्म के आप तोते पाले ना, ये जो एल्बाइनो रेड आइज हैं, काइंडली यार इनको जो है ना, इनको इनकी केयर करें यार। बड़ी मेहनत से पलते हैं और ये उड़ जाते हैं ना तो बड़ा नुकसान होता है। एक पेयर तो सेट है, ये अंडे बच्चों वाला पेयर था, अंडे बच्चों वाला पेयर था, ये पूरा पेयर उड़, मतलब पूरे बर्बाद हो गया ना। गालिबन ये जो है ना नर है, इसकी मादी उड़ी है, उड़ गई मादी, आज़ाद हो गई। पता नहीं क्या बोलूं भाई। खैर कभी भी ये वाले तोते पाले ना, कभी भी वाले तोते पाले तो कोशिश करें इस टाइप की, ये चुटखनी कहलाती है या क्लिप कहलाता है या जो भी कहलाता है, इसको जो है ना लगा के रखें, ताकि ये ना, ये अपनी, ये इतने फंटर होते हैं, ये ना अपनी चोंच से खोल लेते हैं। ये वाला यहाँ नहीं लगी हुई थी, यहीं से खोल के उतर जो है ना निकल गया। भाई देखिए, नुकसान होने वाली चीज़ थी, नुकसान हो गया, अब तो जो होना था वो हो गया। ये कहते हैं ना तकदीर में लिखा हुआ था, नुकसान हो गया। लेकिन भाई अगर आप लोगों ने पाले हुए ना, तो काइंडली इस चीज़ की केयर करें कि यार मुझे जो हो गया है ना नुकसान, क्योंकि मैं वाकई जो है ना, मैंने लापरवाही जो है ना बरती हुई थी। मैं बोलता था नहीं उड़ेंगे, ये है वो है। इत्तेफाक की बात है कि अभी तोते वाले आए थे, मैंने उनका इनका डीएनए वगैरह करवाया था ना, तो वो तोते वाले ये कह रहे थे कि आपने इतनी ओपन ईयर में रखा हुआ है। अब ओपन ईयर में रखने का एक तो फायदा ये है कि एक तो ये गर्मी में जो है ना ये बीमार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हल्के फुल्के पेड़ लगे हुए, यहाँ हल्के फुल्के पेड़ हैं, इनके पास डायरेक्ट हवा आती है, धूप नहीं आती। तो मैंने असल जो वजह थी ना इधर, इसलिए रखा हुआ था। अब इनको रख नहीं सकते ऊपर, अगर इनको रखेंगे तो डायरेक्ट धूप होती है, क्योंकि मेरा जो घर है ना, हमारा जो घर है ये वेस्ट ओपन है, वेस्ट ओपन में ना ऐसे डायरेक्ट हवा आती है, धूप भी इस तरह डायरेक्ट आती है, उसमें इनकी आंखें खराब होने का खतरा होता है। उफ। इससे पहले मेरा एक फिशर उड़ा था, फिशर इन्हीं तोतों में एक फिशर आता है ग्रीन कलर का ना, वो उड़ गया। मैं उसको बेचने गया था, वो ना नेट नीचे से, नेट उसकी फटी हुई थी, वो नेट से नीचे से उड़ गया ना, तो सामने दुकान वाला ना हंस रहा है, बोल रहा है अबे जा यार, तू बेचने आया था, तेरा तोता उड़ गया। मैंने बोला भाई देखो, अल्लाह ताला की चीज थी, अल्लाह ताला
मतलब वापस ले लिया अल्लाह ताला ने मुझसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप यकीन करें मैंने ये अल्फाज बोले थे और वो तोता इतनी ओपन जगह थी और वो तोता पता नहीं कहाँ से उड़ते हुए आया और नीचे डायरेक्ट दुकान के अंदर घुस गया मैकेनिक की, उसने वहीं से मैकेनिक ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, काट बहुत जोर से देते हैं। पूछते हैं यार क्योंकि इतनी बड़ी जगह है ना, यहाँ से कोई है भी नहीं बाहर। एक तो ये बाइक वाले यार, हर किसी से डर लगता है बाइक वालों से। बंदा कहाँ ढूंढे, ये सारे दरख्त हैं, उड़ गया होगा इनमें से कहीं यार, गया खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया काम। लोग गाड़ियां ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, हमारे तोते उड़ रहे हैं यार, क्या बोलूं मैं। खैर अल्लाह ताला, मैं एक और पेयर दिखाता हूँ आपको, जो मेरा ना अंडे बच्चे देने, अंडे देने वाली है तोती, वो भी अंडे देने वाली थी और ये जो थी ना ये नर गया, इसकी तोती उड़ गई, ये तोती भी अंडे देने वाली थी, दिखाता हूँ। ये इनकी फैमिली है, वो हम खोलेंगे ना, ये देखें, ये समझ ले अंडा दे दिया है गालिबन इन्होंने, ये अंडे देने की पोजीशन में, ये अंडे देने की पोजीशन में है, नहीं इनको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता चला अगर हमने इनको छेड़खानी करी तो ये बोले भाई हम अंडे ही नहीं दे रहे। लो भाई एक और नुकसान, एक तो गया ऊपर से ये अंडे भी नहीं दे रहे। लेकिन खैर भाई आज का लेसन ये है, मैं सोचा था मेरा कॉन्टेंट बनेगा, आज मैं कॉन्टेंट जो है ना थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के हालात जो है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए पाकिस्तान में, तो सोचा था यार किसी की थोड़ी सी हेल्प करेंगे और जाके एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारी हेल्प करना अभी तो अल्लाह ताला ही हमारी हेल्प कर दे, 20,000 रुपये का तोता उड़ गया हमारा। लेकिन अब खैर नुकसान होना था, हो गया, अब हम जाएंगे कल और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का इसी का नाम है भाई, कभी दिन कभी रात, कभी नुकसान कभी नफ़ा कभी फ़ायदा, तो कभी सारी चीज़ें, सारी चीज़ों का नाम ही ज़िंदगी है। तो भाई तुम इधर हो, तुम मत उड़ जाना, तुम्हारे उड़ने से पहले मैं जो है ना इस पिंजरे को पूरा पैक कर दूंगा। अब इनकी तोती, अब नेक्स्ट चैप्टर है, और भाई नया कंटेंट आ गया, अपने तोते की तोती ढूंढेंगे, खुशी। यार ये अच्छा है, तोता उड़ गया 20,000 रुपये, अब इसकी शादी कराएंगे और इसका कॉन्टेंट बनाएंगे। फिर भी देख लेते हैं यार, में 125 वगैरह इतनी है ना, डर लगता है। खैर भाई टाटा, 20,000 के नुकसान के साथ अल्लाह हाफिज़।